नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हादसे की आवाज़। पर देश के अंदर अभी अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने अप्रत्याशित बहुमत लिया और बीजेपी को पछाड़ा। 50% में बीजेपी रही तो 50% में कांग्रेस रही। अब जो जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी बिसात बिजती जा रही है, केवल मोहरे चले जाने हैं। बहन शैलजा जी हमारे साथ हैं। आज 3-4 बार मेंबर पार्लियामेंट रही, राज्यसभा के सदस्य रही, यूनियन मिनिस्टर रही और सरसा से थंपिंग मेजोरिटी से एक लोकसभा की मेंबर बनी है। अब वो पैदल यात्रा कर रही हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर, संदेश यात्रा के लेकर। आज उनका हांसी के अंदर बहुत खैर मकदम हुआ, इस्तकबल हुआ और बहुत जन सैलाब उमड़ा। और उसके बाद आज ये जैन राइस मिल के प्रतिष्ठान पे पहुंची हैं। जैन हमारे साथ हैं, प्रीतम जैन साहब जी। ये 7 बार जैन श्वेतांबर सभा के सर्व समिति से प्रधान बने हैं, इस बार भी प्रधान हैं, रोटरी क्लब के प्रधान भी रहे हैं। और सभी व्यापारियों की तरफ दिखाइएगा, व्यापारी भी बैठे हैं। मनोज राठी जी हैं, साथ में हमारे अतर सैनी जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, और भी अन्य नेतागण लोग हैं। मैडम से जानेंगे कि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है बीजेपी का, कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है और किस तरह की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बड़ा एक छेद कर गए उसमें कपड़े में, क्या नायब सैनी जी उसे रफू कर पाएंगे? तो बहुत लेट हो चुका है, 10 साल का जो इनका मिसरूल रहा पूरे हरियाणा ने देखा। चाहे हम यहाँ की बात करें, हांसी में विकास तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, विकास की तो आज धज्जियाँ उड़ रही थी जब हम सड़कों पर निकले। तो आप तो पानी में चल रही थी सड़कों पे? ना, मैं तो नहीं चली। देखो, हमारे वर्कर चले हैं, मुझे तो उन्होंने ट्रक पे चढ़ा दिया था, लेकिन हमारे सभी वर्कर, और हमारे वर्कर ही क्यों, जो यहाँ के आम नागरिक हैं, हांसी के आम नागरिक हैं, वो गोडे गोडे पानी में चल रहे हैं। सड़कों की बदहाली है, 2-व्हीलर हैं, गाड़ियाँ हैं, रुके हुए हैं। बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, लेडीज़ के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। दुकानदार बेचारे दुकानों के ऊपर खड़े थे, कोई ग्राहक नहीं आ पा रहे, कोई चल नहीं पा रहा। तो ये तो एक नमूना है, केवल 4 बूंद बारिश के बाद, ये केवल एक नमूना है। यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सभी बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। तो हांसी करें, हिसार करें, हरियाणा करें, किस किस की बात करें। आज के दिन जो भाजपा ने 10 साल इन्हें मौका मिला, कोई नागरिक इनसे आज खुश नहीं है, या कोई भी वर्ग मैं कहूँ इनसे खुश नहीं है। व्यापारियों से आप पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जो लघु मध्यम उद्योग है उनसे आप पूछ लीजिए। सारा सिस्टम बिगाड़ कर रखा हुआ है। GST का बोझ, जो हमने कहा था इसको ठीक करने की बात, ये बार बार डिमांड हुई, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। तो हरियाणा के लोगों ने इन्हें 10 साल मौका दिया, लेकिन 10 साल में हरियाणा इतना पिछड़ गया है। और यहाँ हांसी में, फिर मैं हांसी की बात करूँगी, यहाँ हम बैठे हैं, कितना कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर तो रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, फिरौतियों की बात होती हैं, अपराध इस कदर बढ़ गया, मर्डर भी, मर्डर्स होते, तो ये सारा कुछ हो रहा है। पर ऐसे लगता है कि प्रशासन नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम है। तो 10 साल का इनका क्या क्या हम लेखा जोखा लेंगे? मैडम, ये 3 महीने के अंदर ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं नायब सैनी जी, सब कुछ कर रहे हैं, पक्के कर देंगे और कर देंगे, तो ये क्या इनको अमली जामा पहना देंगे क्या? जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं, बेशुमार घोषणाएं ऐसा है, 10 साल जहां इनको मिले, अब आखिर के 1 महीने में घोषणा ही तो हैं, और क्या है, करके क्या दिखा सकते हैं? तो इसको नेटरलाइज नहीं हो पाएगी। एक महीने में क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्या हो सकता है 1 महीने में? जो 10 साल में नहीं कर सके वो 1 महीने में क्या करेंगे? तो यही है कि लोगों को फिर बरगलाने का प्रयास है इनका, पर असलियत तो सामने आ चुकी है। अच्छा, आने वाला कल लोग बाग देख रहे हैं कि कांग्रेस का होगा, तो वाकई यानी कि आपको लगता है कि हमारा पूरा प्रयास है, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं,
हमारे सभी लोग लोगों के दर्द में दुख पीड़ा में उनके साथ खड़े होते हैं। और जन जन की आज के दिन आवाज़ है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। जो ईडी का प्रयोग हो रहा है आपके दो विधायकों पर भी ईडी का, क्या ये आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? प्रयोग नहीं हो रहा, ये दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग कब हो गया? केंद्र की एजेंसीज हैं और इनको जैसे इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। अब हर जगह अगर कोई भी इनकी शरण में चला जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो फिर तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन रखते हैं? वॉशिंग मशीन है पूरी, लॉन्ड्री साफ रिन से धुलकर सर्फ से धुलकर आ जाते। तो यानी कि यू कैन से दैट इट इज आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा? इट इज ऑल पॉलिटिकल वेंडेटा। जो इनको इनकन्वीनियंट लगते हैं उनके खिलाफ। आप देखते हैं छोटे से छोटे, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, छोटा व्यापारी है, एकदम उनके पीछे छोड़ देते हैं। डर और भय का वातावरण इन्होंने आज देश के अंदर फैला रखा है। आपके अंदर चौधरी दलबीर सिंह की प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। और कितना मीठा शहद पिलाती हैं कि बरबस पब्लिक आपके पीछे जनसैलाब उमड़ा आता है, ऐसा क्या है? नहीं, मैं कोई यू आर ए क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। मैं कोई शहद नहीं पिलाती हूँ, हम असलियत बोलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो यही है, यही हमने सीखा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने, उनके समय में यहाँ पर उनको बच्चा जानता था और उन्होंने बहुत सेवा की है और हांसी उन्हें बहुत प्रिय भी था। अच्छा, मासिस को एक अपील कर दीजिएगा कि आने वाला कल क्या होगा। बस मैं ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा। जी जी, ये बहुत आप फ्यूटाइल हो चुकी हैं बंसल साहब। आप तो हमेशा जो भी पूछते हैं पूरे अच्छे सटीक तरीके से पूछते हैं, अच्छा लगता है। इट इज़ अप टू यू, आपके सवालों का।